आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम रोल ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को देखेंगे जो प्रमोशन ऑफ इंटरनल ट्रेड में होते हैं। ओके, तो पहले इस चार्ट्स के थ्रू हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं, फिर अभी हम उसको डिस्कस करेंगे। तो पहला है ट्रांसपोर्टेशन और इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स, सेकंड है ऑक्ट्रॉय एंड अदर लोकल सर्विसेज, थर्ड है हार्मोनाइजेशन ऑफ सेल टैक्स स्ट्रक्चर एंड वैल्यू एडेड टैक्स, फोर्थ आ जाता है मार्केटिंग ऑफ एग्रो प्रोडक्ट्स एंड रिलेटेड इशूज, फिफ्थ आ जाता है हमारा वेट्स एंड मेजर्स एंड प्रिवेंशन ऑफ डुप्लीकेट गुड्स, सिक्स्थ आ जाता है हमारा एक्साइज ड्यूटी, और लास्ट में आ जाता है हमारा प्रमोटिंग साउंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, और सबसे एंड में आ जाता है हमारा लेबर लेजिस्लेशन, ठीक है। तो ये हमारे रोल थे जो इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज प्ले कर रहे थे इंटरनल ट्रेड की प्रमोशन के लिए। अब इन सबको हम एक बारी डिटेल में भी पढ़ लेते हैं। तो पहला आ जाता है हमारा इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स। ओके, तो पहले ध्यान से देखें, जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री होती है वह हेल्प करती है एक्टिविटीज़ में जो कंसर्न होती हैं स्टेट मूवमेंट के लिए, ठीक है, हेल्प इन एनी एक्टिविटी कंसर्निंग स्टेट मूवमेंट, किसके लिए, ऑफ गुड्स, ठीक है, स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स, जो इंक्लूड करती हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल्स, सरफेस ट्रांसपोर्ट पॉलिसीज, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवेज एंड रोड। तो सबसे पहले क्या रोल प्ले करती है, इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स, ठीक है। इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स से क्या मतलब होता है, जो कंसर्न होती हैं स्टेट मूवमेंट के लिए, ठीक है। स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड मतलब कि एक ही स्टेट के अंदर गुड्स को इधर उधर करना, तो उसमें इंक्लूड भी हो जाएगा हमारा कि रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल्स का क्या होगा, ठीक है, ट्रांसपोर्ट पॉलिसीज क्या होंगी, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवेज क्या होगा और रोड्स भी क्या होंगे, ठीक है। अब सेकेंड हमारा पॉइंट आ जाता है ऑक्ट्रॉय एंड अदर लोकल लाइफ, क्या मतलब हो गया, दे आर कलेक्टेड ऑन द गुड्स एंड फ्रॉम द स्टेट और द म्यूनिसिपल लिमिट्स, ठीक है, जो कलेक्ट करते हैं गुड्स को कहाँ से, एक ही स्टेट में से या तो म्यूनिसिपल लिमिट्स में से, ठीक है। तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या करता है, वो ट्राई करता है कि वो इंश्योर होए देयर इम्पोजिशन इज नॉट एट द कॉस्ट ऑफ स्मूथ ट्रांसपोर्टेशन एंड लोकल ट्रेड। क्या मतलब हुआ कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स ट्राई करता है कि इंश्योर करे कि कॉस्ट पे बर्डन ज़्यादा ना हो ताकि ट्रांसपोर्टेशन स्मूथ हो और लोकल ट्रेड भी एफिशिएंटली हो। होप आपको ऑक्ट्रॉय एंड अदर लोकल लीव्स भी समझ में आ गया। अब थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, उसमें लिखा हुआ है हार्मोनाइजेशन ऑफ सेल टैक्स स्ट्रक्चर एंड वैल्यू एडेड टैक्स। इसका क्या मतलब हुआ, जो सेल टैक्स स्ट्रक्चर होता है वो इम्पोर्टेंट पार्ट करता है स्टेट रेवेन्यू के लिए। अब सेल टैक्स की जगह यहाँ पे क्या लिखोगे आप, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो एक इम्पोर्टेंट इनडायरेक्ट टैक्सेशन होता है जो स्टेट रेवेन्यू के लिए हाई होता है। द रैशनल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल टैक्स एंड इट्स यूनिफॉर्म रेट अक्रॉस सेल्स आर इम्पोर्टेंट फॉर प्रमोटिंग द बैलेंस ट्रेड। इसका क्या मतलब हुआ, जो रैशनल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, सेल टैक्स का, सेल टैक्स यहाँ पे क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एंड इट इज इम्पोर्टेंट अक्रॉस द स्टेट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर प्रमोटिंग बैलेंस ट्रेड, ताकि ट्रेड जो हो वो बैलेंस हो इसलिए वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, यूनिफॉर्म हो इसलिए वो इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए हमारे को रैशनल स्ट्रक्चर को देखना है, किसका, सेल टैक्स का। सेल टैक्स कौन सा है यहाँ पे, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ओके, जीएसटी लिखेंगे आप यहाँ पे, ना कि सेल टैक्स खाली, ओके। फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं हम, मार्केटिंग ऑफ एग्रो प्रोडक्ट एंड रिलेटेड इश्यूज। मार्केटिंग ऑफ एग्रो प्रोडक्ट एंड रिलेटेड इश्यूज से क्या मतलब होता है, स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ लोकल सब्सिडीज एंड मार्केटिंग पॉलिसीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलिंग एग्रो प्रोडक्ट एट सम ऑफ द एरियाज। क्या मतलब, लोकल सब्सिडीज अगर हम दे रहे हैं या मार्केटिंग पॉलिसीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जो सेलिंग एग्रो प्रोडक्ट, एग्रो प्रोडक्ट से क्या मतलब हुआ, फूड प्रोडक्ट, मतलब कि खेती बाड़ी वाले प्रोडक्ट, आर सम ऑफ द एरियाज वेयर द चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कैन रियली इंटरवीन। और जैसे कि अगर हम फार्मर से रिलेटेड कोई काम होता है, ठीक है, प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई, फार्म प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई काम है, तो वहाँ पे इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इंटरवेन करता है और इंटरैक्ट करता है ताकि वो कंसर्न हो सके एजेंसीज के लिए, लाइक फार्मिंग कोऑपरेटिव, जैसे कि कोऑपरेटिव फार्मिंग होती है ना, वैसे उन चीज़ों को ध्यान देने के लिए इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इंटरफेयर करता है, ठीक है। अब फिफ्थ पॉइंट में आ गया, वेट्स एंड मेजर्स एंड प्रिवेंशन ऑफ डुप्लीकेशन प्रिंट्स। क्या मतलब हुआ, जो लॉज होते हैं वो रिलेटिंग टू वेट्स होते हैं, ठीक है, या तो मेजर्स होते हैं,
और जिनकी प्रोटेक्शन ऑफ ब्रांड्स के लिए वो नेसेसरी है कि उनके इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करें। उनके इंटरेस्ट कौन है? कंज्यूमर के इंटरेस्ट को, ठीक है, कंज्यूमर के भी और ट्रेडर को भी, ठीक है। जब हम वेट्स और मेजर करते हैं तो ये इम्पॉर्टेंट है कि हम प्रोटेक्ट कर सकें कंज्यूमर और ट्रेडर के इंटरेस्ट को। ओके, देयरफॉर दे नीड टू इन्फोर्स स्ट्रिक्टली, इस वजह से इन सबको इन्फोर्स करना चाहिए स्ट्रिक्टली, ठीक है। तो लॉज जो रिलेटेड होते हैं वेट्स और मेजर के प्रोटेक्शन के लिए, किसके ब्रांड के लिए, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हम कंज्यूमर और ट्रेडर का भी इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करें, इस वजह से ब्रांड का प्रोडक्ट भी इम्प्लाइड होगा। एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी का क्या मतलब होता है? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी एक चीफ सोर्स होता है गवर्नमेंट रेवेन्यू के लिए, ठीक है। अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उस पर आपको एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ती है, और कई प्रोडक्ट्स जो होते हैं उस पर एक्साइज ड्यूटी अभी भी है, जैसे कि टोबैको, ठीक है, अल्कोहलिक लिक्विड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन जो आगे पढ़ेंगे। बाकी की जो एक्साइज ड्यूटी है वो रिप्लेस हो चुकी है जीएसटी से, गुड्स एंड सर्विस टैक्स से, जो आप आगे हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जो होती है वो एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है गवर्नमेंट रेवेन्यू के लिए अक्रॉस द स्टेट, जो लेविड है, लेविड मतलब कि जो इम्पोज है अक्रॉस द स्टेट, क्यों, बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और कौन कर रहा है इम्पोज? सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। द एक्साइज ड्यूटी प्लेज अ वाइटल रोल इन प्राइस मैकेनिज्म, इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है प्राइस मैकेनिज्म के लिए। होप आपको समझ में आ गई कि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कौन इम्पोज कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट। किस पे कर रहा है? अभी तक जो प्रोडक्ट याद है वो है टोबैको, अल्कोहलिक लिक्विड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ठीक है, इन सब पर। लेकिन और भी केसेस हैं, बाकी एक्साइज ड्यूटी को रिप्लेस किसने किया है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स से, जो आप हायर स्टडीज में पढ़ेंगे। लेकिन एक्साइज ड्यूटी हमारे प्राइस मैकेनिज्म को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है, इसलिए वो इम्पॉर्टेंट या वाइटल फैक्टर है, ठीक है। अब सेवेंथ पॉइंट में देखें, प्रमोटिंग साउंड इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या मतलब हुआ कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री जो होती है वो होल्ड करती है डिस्कशन, ठीक है। किसके साथ वो डिस्कशन करेंगी? गवर्नमेंट के साथ या उनकी एजेंसीज के साथ, ताकि वो इन्वेस्टमेंट कर सके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, ठीक है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री होल्ड करती है डिस्कशन गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ, ताकि वो इन्वेस्टमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर सके। समझ में आ गया प्रमोटिंग साउंड इंफ्रास्ट्रक्चर? ओके, अब एट पॉइंट में देखें, लेबर लेजिस्लेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और 3 मार्क्स में आ सकता है, तो ध्यान से पढ़ें। अ सिंपल एंड फ्लेक्सिबल लेजिस्लेशन इज हेल्पफुल इन रनिंग इंडस्ट्रीज, मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्शन एंड जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। एक सिंपल लेजिस्लेशन होगा तो वो एक अच्छा होता है और यूजफुल होता है, ताकि बिजनेस इंडस्ट्रीज को मैक्सिमाइज कर सके प्रोडक्शन में, और साथ ही साथ जो इंडस्ट्री है वो रन कर सके स्मूथली, और एम्प्लॉयमेंट जो हो वो भी जनरेट हो सके, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट, अगर लेबर लेजिस्लेशन में हम देखें कि जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री होती है ना गवर्नमेंट, वो कंस्टेंटली इंटरेक्ट करती है ऑन इश्यूज विद गवर्नमेंट, और जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्री होती है वो जनरली इंटरेक्ट करती रहती है गवर्नमेंट के लिए उन इश्यूज के लिए जो लेजिस्लेशन से रिलेटेड हो, ताकि लेजिस्लेशन जो हो, जो रूल्स या रेगुलेशंस हो, वो सिंपल हो और फ्लेक्सिबल हो, और ताकि वो बिजनेस इंडस्ट्री और मैक्सिमाइज कर सके प्रोडक्शन को और एम्प्लॉयमेंट को भी जनरेट कर सके। होप आपको रोल ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री समझ में आ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे ब्लेस्ड। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।